वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वादी मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मंदिर का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की मांग की है, जिसे मथुरा कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि गुरुवार को ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले से जुड़ी सभी अर्जियों का 4 महीने के भीतर निपटाने को कहा था। हाई कोर्ट के निर्देश दिए जाने के बाद कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग अलग एक ही तरह की याचिका लगाई है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी करने की मांग की गई है। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सभी याचिकाकर्ताओं को एक ही तारीख यानी कि 1 जुलाई दे दी गई है। देखिए, कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है जिसमें 4 माह में सभी पेंडिंग एप्लीकेशन को डिसाइड करने का आदेश दिया है, स्पष्ट आदेश किया है। उसके बाद आज हम लोगों ने मॉर्निंग कोर्ट का चुकी प्रावधान है, यहाँ सुबह हम लोगों ने 8 बजे एक एप्लीकेशन मूव की थी, जिसमें यह कहा गया है कि जो तथाकथित ईदगाह परिसर है, जो विवादित ढांचा है, उसमें जो हम लोगों के अभिलेख हिंदू धर्म के और जो मूर्तियाँ हैं उनको तोड़ा जा रहा है और उनको ध्वस्त किया जा रहा है, चूँकि ये लोग ज्ञानव्यापी में जो मामला चल रहा है वहाँ से प्रभावित हैं और यहाँ के दस्तावेजों और अभिलेखों को मिटाए जा रहे हैं। इसलिए एक अधिवक्ता कमिश्नर गठित किया नियुक्त किया जाए जो वहाँ वीडियोग्राफी के माध्यम से सर्वे करें और वादी प्रतिवादी दोनों वहाँ उपस्थित रहें, सभी के सामने सर्वे और वहाँ का जो असली सच है वो जनता के सामने आना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्ष से जुड़े सभी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ईदगाह के अंदर जो शिलालेख हैं उन्हें दूसरे मुस्लिम पक्ष की ओर से हटाया जा सकता है और एविडेंस को नष्ट किया जा सकता है, इसलिए दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में वहाँ की फोटोग्राफी कराई जाए, सभी तथ्यों को जुटाया जाए। या कि इसमें सभी तथ्य हैं जो मस्जिद परिसर के, क्योंकि वहाँ शंख बने हैं, शेषनाग बने हैं, चक्र बने हैं, कमल के फूल हैं, ओम हैं, स्वास्तिक हैं, तो उनको प्रतिवादी गणों के द्वारा मिटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। अगर वो सब वहाँ से हट जाएंगे तो प्रॉपर्टी का करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, यानी प्रॉपर्टी का नेचर ही चेंज हो जाएगा, तो एविडेंसेज खत्म हो जाएंगी और जब एविडेंसेज खत्म हो जाएंगी तो केस का औचित्य क्या रह जाएगा और वहाँ से कोर्ट कमिश्नर जाएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे। तो हम चाहते हैं, क्योंकि वो मंदिर है भगवान का, असली गर्भगृह वही है, तो हम चाहते हैं कि कमिश्नर वहाँ जाए और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उन सबको दर्ज करके वहाँ से लाए, वीडियोग्राफी कराएँ, फोटोग्राफी कराएँ, तो इसके से पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी और उन लोगों को क्या दिक्कत होती है इसमें। अगर असली बात है कि वहाँ सब चीज़ें हैं, अगर इस्लाम पक्ष के विषय नहीं तो उनको भी दर्ज करेंगे, तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको। और इसी को लेकर के आज हमने एक एप्लीकेशन दी है पुनः, और हम चाहते हैं कि इन पर एप्लीकेशन का जो सर्वे एप्लीकेशन है कमीशन वहाँ भेजा जाए, इसी को लेकर के आज माननीय न्यायालय हमने एप्लीकेशन दिए है और हमारा ये कहना है। आज माननीय न्यायालय से हमने पुनः अनुरोध किया था कि वहाँ जो प्राचीन साख हैं ईदगाह के नीचे दबे हुए हैं, उन प्राचीन साक्ष्यों को बचाने के लिए किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमीशन नियुक्त करके वहाँ के चिन्हों का अवलोकन होना चाहिए, वहाँ जो प्राचीन साक्ष्य हैं उनकी निगरानी होनी चाहिए और उनकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश होनी चाहिए और प्रतिवादी और वादी दोनों की मौजूदगी में ये सारी जो जानकारी हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होनी चाहिए। ये हमने न्यायालय से आवेदन किया है और हमने पहले भी 15 फरवरी को यही आवेदन किया था, आज पुनः माननीय न्यायालय से आवेदन किया है तो माननीय न्यायालय ने उसमें 1 जुलाई की डेट लगा दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े कई केस मथुरा के सेशन कोर्ट में पहले से ही लंबित हैं। हालांकि लंबित मामलों पर बहस पूरी हो चुकी है, कोर्ट का फैसला 19 मई को आएगा। बता दें कि लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दायर किया है। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। आरोप है कि मुगल शासक औरंगजेब ने जबरन मंदिर को तोड़कर ईदगाह का निर्माण कराया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।